हाय गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल पे बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईफोन XR के लिए टॉप 10 न्यू हिडन फीचर्स OBS 18 के अपडेट के ऊपर, क्योंकि मैं इस अपडेट को काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ अपने डिवाइस के ऊपर। आप देख सकते हो नए नए वॉलपेपर्स आए हैं, काफ़ी कुछ न्यू फीचर्स यहाँ पर चेंज हुए हैं iOS 18 के अपडेट पे इस डिवाइस पे। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बिना किसी देरी से उन हिडन फीचर्स के बारे में ज़रूर जान लेते हैं अगर आप सभी भी आईफोन XR को यूज़ करते हो। सो सबसे पहले गाइस, यहाँ पर आपको ओपन करनी है अपनी कैमरा की एप्लीकेशन। सो सबसे पहला हिडन फीचर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करोगे, अब आपको यहाँ पर पॉज बटन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप अपने वीडियोस को पॉज कर सकते हो। अब ये वीडियो यहाँ पर पॉज हो चुकी है, तो जैसे कि आप सभी देख सकते हो यहाँ पर पॉज लिखा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको स्टार्ट करनी है, यहीं से ही आप अपनी वीडियो को कंटिन्यूसली स्टार्ट कर सकते हो रिकॉर्डिंग के टाइम पे, तो यहाँ पर आप स्टॉप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर भी आपको एक हिडन फीचर देखने को मिलेगा। जैसे आप इस वीडियो को एडिट मोड में लेकर जाओगे, तो ये वीडियो मैंने शूट करी है 60 फ्रेम्स में, तो यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगी 60 फ्रेम्स और 30 फ्रेम्स भी। तो आप यहाँ से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको 30 फ्रेम्स में चाहिए तो आप इसको 30 फ्रेम्स में भी शिफ्ट कर सकते हो जो वीडियो आपने रिकॉर्ड करी है, और यहाँ से आप इसे एडिट भी कर सकते हो। तो ये एडिटिंग आप देख सकते हो, कहाँ से आपको 30 फ्रेम्स में चाहिए, कहाँ से आपको 60 फ्रेम्स में चाहिए, वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। वैसे आप इसे डन के ऊपर टैप करके अपनी वीडियो को सेव कर सकते हो 30 फ्रेम्स में या 60 फ्रेम्स में। यहाँ से आप अपनी रेजोल्यूशन वगैरह को भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर सेटिंग्स में जाना है, और यहाँ से आपको कैमरा की एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो यहाँ पर आपको रिकॉर्ड साउंड पे चले जाना है। सो गाइज, यहाँ पर आपको 3 न्यू ऑप्शंस देखने को मिलती हैं, स्टीरियो, मोनो और ऑडियो। तो ये जो ऑप्शंस हैं काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं। अगर आपको स्टीरियो साउंड चाहिए अपनी वीडियो में, तो आपको स्टीरियो को ऑन करना है। अगर आपको अपनी ऑडियो जो आप प्ले कर रहे हो अपने म्यूज़िक को म्यूज़िक एप्लीकेशन में, अगर वो म्यूज़िक आपको अपनी वीडियो में भी रिकॉर्ड करना है, तो आपको ये सेटिंग ज़रूर ऑन करके रखनी पड़ेगी। इसके साथ आप अपने म्यूज़िक को भी इंजॉय कर सकते हो और साथ में अपनी वीडियोस को भी शूट कर पाओगे एक ही टाइम के ऊपर। आप दोनों टास्क जो है वो अपने डिवाइस पे परफॉर्म कर सकते हो। तो उसके बाद चलते हैं सीधा अपने कैलकुलेटर की एप्लीकेशन पे। सो गाइस, कैलकुलेटर की एप्लीकेशन का इंटरफेस टोटली चेंज है, नए फीचर्स आ गए हैं कैलकुलेटर में। तो चलिए जानते हैं उन फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेटर के आइकॉन पे टैप करना है। सबसे पहले बेसिक, साइंटिफिक और मैथ का ऑप्शन दिया गया, बाद में कन्वर्ट का ऑप्शन भी है। सबसे पहले साइंटिफिक के ऊपर टैप करते हैं। साइंटिफिक आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, फिर से आपको इस ऑप्शन पे टैप करना है। मैथ नोट्स पे चलते हैं, तो ये ऑप्शन एक नई ऑप्शन एप्पल ने ऐड करी है। जैसे कि यहाँ पर ये जो नोट है मैंने पहले ही क्रिएट कर रखा है, तो यहाँ पर अब आपको पेन टूल को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर पेन टूल को सिलेक्ट करके आप किसी भी कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर 3 + 4 = 2, तो यहाँ पर आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सॉल्व का ऑप्शन आया है, आपको इक्वल्स टू करना है और आपको आंसर देखने को मिल जाएगा आपकी ये मैथ नोट्स के ऑप्शन पे। तो ये जो फीचर है स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है अगर आप सभी आईफोन यूज़ कर रहे हो तो। अब आपको यहाँ पर लास्ट में कन्वर्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इसे कन्वर्ट को ऑन कर देना है। जैसे यहाँ पर कन्वर्ट के फीचर को ऑन करोगे, तो यहाँ पर आपको USD का और INR का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आप यहाँ से किसी भी ऑप्शन में शिफ्ट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर किसी और कंट्री का करेंसी का रेट फाइंड आउट करना है, मान लो मैंने CAD यहाँ पर टैप किया, कैनेडियन डॉलर का करंटली इंडिया में क्या रेट चल रहा है, वो भी मैं यहाँ पर सर्च कर सकता हूँ। करंटली इंडिया में कैनेडियन डॉलर का रेट है 61.63। तो इस तरीके से आप किसी भी कंट्री की करेंसी का रेट भी फाइंड आउट कर सकते हो अपनी कैलकुलेटर की एप्लीकेशन को यूज़ करके। और इसको अगर आपको नॉर्मल कैलकुलेटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको इसे यहाँ से ऑफ करना पड़ेगा। तो इसलिए ये कैलकुलेटर की एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा एडवांस कर दी गई है iOS 18 के अपडेट में आईफोन XR के लिए। उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को लॉक लगा सकते हो। तो गाइस, यहाँ से आपको सिंपली लॉन्ग प्रेस करना है और आप अपनी एप्लीकेशन को फेस ID से लॉक लगा सकते हो। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर फेस ID को ऑन करना है,
और सिंपली ये जो फीचर है आपकी फेस आईडी से ही काम करने वाला है। जैसे आप इसे ओपन करोगे आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर लॉक हुई आपको देखने को मिलेगी, तो इस तरीके से आपकी फेस आईडी से ये अनलॉक होने वाली है। आप इसे हाइड भी कर सकते हो सिंपली यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके। आपको सबसे पहले इसे अनहाइड करना पड़ेगा यानी कि अनलॉक करना पड़ेगा, उसके बाद फिर से आपको लॉक अप्लाई करना है तो हाइड की ऑप्शन को एक बार टैप कर दो और आपकी ये एप्लीकेशन हाइड हो जाएगी कम्प्लीटली। तो ये हाइड होकर चली गई है डायरेक्टली ऐप लाइब्रेरी में यहाँ पर हिडन फोल्डर में। जैसे यहाँ पर सिंगल टैप करोगे आपको ये ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाती है एप्लीकेशन। इस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशंस को यहाँ से हाइड कर सकते हो और लॉक भी लगा सकते हो। उसके बाद चलते हैं सीधा सेटिंग्स में और यहाँ पर आपको सर्च करना है स्टीरियो। तो यहाँ पर आपको वॉइस मीमो टाइप करोगे तो आपको यहाँ पर एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा वॉइस मीमो में स्टीरियो रिकॉर्डिंग का। स्टीरियो रिकॉर्डिंग के फीचर को आप यूज़ कर सकते हो अब अपने वॉइस मीमो की एप्लीकेशन में। तो जैसे कि यहाँ पर कोई भी अपने वॉइस मीमो में अगर आप वॉइस नोट को क्रिएट करते हो तो उसकी ट्रांसक्रिप्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। जैसे कि ये फीचर ट्रांसक्रिप्ट का ऑटोमेटिकली ट्रांसक्रिप्ट करेगी, ट्रांसक्राइब करेगी आपका जो भी वॉइस मीमो आपने क्रिएट कर रखा होगा। तो मेरे पास ऑलरेडी मैंने एक वॉइस मीमो जो है वो रिकॉर्ड कर रखा है अपने दूसरे डिवाइस में। कुछ इस तरीके से ये जो फीचर है काम करता है। बस आपको यहाँ पर टैप करना है, जो भी आपने वॉइस रिकॉर्ड करी होगी वो यहाँ पर आपको ट्रांसक्रिप्ट होकर देखने को मिल जाएगी आपकी वॉइस मीमो की एप्लीकेशन में। तो ये जो फीचर है वॉइस मीमो का, वॉइस रिकॉर्ड करने के बाद उसको ट्रांसक्रिप्ट करना, वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल फीचर है। उसके बाद आपके जो विजेट्स हैं आपके होम स्क्रीन के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग कर दिए गए हैं। आप अपनी एप्लीकेशन से ही विजेट को क्रिएट कर सकते हो। बस आपको यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करना है, किसी भी विजेट को सिलेक्ट करो और आपकी ये जो एप्लीकेशन है आपके विजेट में कन्वर्ट हो जाएगी कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हो ये एप्लीकेशन कन्वर्ट हो चुकी है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करना है तो सिंपली लॉन्ग प्रेस करके आपको विजेट को सिलेक्ट कर देना है। इस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशंस को विजेट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो गाइज़ यहाँ पर आपके नोट्स के एप्लीकेशन में भी कुछ न्यू फीचर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। जैसे किसी भी नोट को आपने क्रिएट करा, एक बटन पर टैप करो और यहाँ पर आप देख सकते हो अगर मेरे को अपने हेडिंग को कुछ इस तरीके से हाईलाइट करना है तो मैं इसे हाईलाइट कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। तो मैं इसे यहाँ से भी शेप देकर इसे हाईलाइट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से आपका जो हेडिंग है वो आपको हाईलाइट होकर देखने को मिलने वाला है। जो मैथ नोट्स हैं वो आपके नोट्स की एप्लीकेशन में ही सेव हो जाते हैं, जो भी आपने कैलकुलेटर में अपने मैथ्स को क्रिएट करा होगा तो वो सारे के सारे आपके नोट्स की एप्लीकेशन में आकर सेव हो जाते हैं। उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशंस को होम स्क्रीन के ऊपर कहीं पर भी मूव कर सकते हो। मान लो मैंने इन एप्लीकेशंस को लाइन वाइज यहाँ पर लगाना है और यहाँ पर कहीं पर मैंने एम्प्टी स्पेस रखनी है, तो ऐसे मैं यहाँ पर एम्प्टी स्पेस को क्रिएट कर सकता हूँ अपनी होम स्क्रीन के ऊपर। इस एप्लीकेशन को मैंने यहाँ पर रख दिया, इसको मैंने यहाँ पर रख दिया। ऐसे आप अपने एप्लीकेशंस को फ्रीली मूव कर सकते हो। उसके बाद आपको पासवर्ड्स की एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है। पासवर्ड्स की एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को आप यूज़ करके अपने आईफोन के सारे पासवर्ड्स को इसी में ही सेव कर सकते हो। तो यहाँ पर आप इसके डिस्क्रिप्शंस वगैरह को रीड कर सकते हो। टर्न ऑन ऑटोफिल पासवर्ड्स, तो इसको मैं नोट नाउ के ऊपर सेटअप कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसको आप अलाउ भी कर सकते हो ताकि आपके वाईफाई के पासवर्ड्स यहाँ पर सेव हो जाएं। आपके फ़ोन के जितने भी पासवर्ड्स रहने वाले हैं वो एक ही एप्लीकेशन में सेव हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये नई एप्लीकेशन पासवर्ड की भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो आप अपने म्यूज़िक में हैप्टिक्स को भी अब ऑन कर सकते हो। तो हैप्टिक्स का ऑप्शन कैसे आपको ऑन करना है, सिंपली आपको चले जाना है सीधा सेटिंग्स में और यहाँ पर आपको सर्च करना है अपनी एक्सेसिबिलिटी के फीचर को। तो ये है एक्सेसिबिलिटी की सेटिंग्स और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी म्यूज़िक हैप्टिक्स का ऑप्शन, बट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है आईफोन XR पे। आईफोन XR इस फीचर को सपोर्ट नहीं करता है म्यूज़िक हैप्टिक्स को, इसीलिए ये जो ऑप्शन है म्यूज़िक हैप्टिक्स की वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाली है। उसके बाद आई मैसेज की एप्लीकेशन में भी काफ़ी नए चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि इस मैसेज को मैंने यहाँ पर टाइप करा है, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है ए बटन के ऊपर टैप करके। आपको यहाँ पर काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ से मल्टीपल इफ़ेक्ट्स को ऐड करके अपने मैसेज को अपने किसी फ्रेंड्स को सेंड कर सकते हो। तो ये सारे के सारे इफ़ेक्ट्स आप यहाँ पर फ्री में अप्लाई कर सकते हो। तो ये फीचर ओनली आपको आई मैसेज के एप्लीकेशन में ही देखने को मिलने वाला है। अगर कोई दूसरा एंड्रॉयड यूज़र है तो उसको देखने को नहीं मिलेगा।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो गाइस थे गाइस iPhone XR के टॉप 10 हिडन फीचर्स, जिनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।